तो जी प्यारे बहन भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, डबल डबल खुशियां हैं, अल्लाह पाक ने हमें डबल डबल खुशियां दी हैं। तो न्यू बेबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई हमें देखने वाले हैं सब खैर से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैर से हूँ और मेरी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, बाद में हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? माय नेम इज शीला। जब ये रोज अपने नाम चेंज करती रहती है, ये पता नहीं इसको है क्या। मैं आज डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन ने कह दिया है कि तुम लोगों ने टट्टर लगा रहे हो, इसलिए ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं अलग करूँ, कुछ चेंज करूँ, तो चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो जब ये सलाम करती है तो गधा जो है ना इसके साथ ही शुरू हो जाता है। अभी तो नहीं, आज नहीं बोला, अभी नहीं आया, सुनवाऊँ वीडियो में। करूँ प्ले? अच्छा, मुझे कह रहे प्ले करो वीडियो, नहीं गधा आया, मैं प्ले करूँगा फिर लग जाएगा पता। नहीं था वैसे, गधा था। जो वीडियो देख रहे हैं ना वो बताएंगे गधा था कि नहीं था, कमेंट में बताएंगे। अगर गधा था तो फिर कहेंगे हाँ गधा था। अच्छी बात है ना, वो भी शाम का रहा है। तो जी अभी मैं पहुंच चुका हूं भट्टे पे, ब्रेक्स कंपनी जो होती है उस पे। तो सुबह मैं पहले गया था स्कूल के काम पे, स्कूल का काम जो है मैं थोड़ा सा किया है तकरीबन 12 बजे तक। 12 बजे के बाद जो है ना मैं शॉप पे आ गया था, तो अब्बू ने मुझे कॉल की थी कि ये जो भट्टे वाले हैं ना, ब्रेक्स कंपनी वाले, ये जो है ना मेरे ठेकेदार हैं, तो इनसे जो है ना पैसे वगैरह कुछ भी नहीं लेने आपने, तो इनका जो है ना काम करके आ जाएँ। तो मैं काफ़ी देर हो गई है यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे सीढ़ी नहीं थी, एक छोटी सीढ़ी थी उससे मैंने जो है ना थोड़ा सा काम चलाया है। तो अभी जो है ना वो सीढ़ी कम पड़ गई है, तो लिखाई जो है ना वो ऊपर करनी है, जहाँ पे आपको ग्रीन कलर का बोर्ड नज़र आ रहा है वो जो है झंडा है, उससे ऊपर जो है ना लिखाई करनी है। ये जो है भट्टे की चिमनी है इतनी बड़ी, तो अभी मैं यहाँ पे ना भट्टे के अंदर यहाँ पे मौजूद हूँ। ये देखें, यहाँ पे जो है ना ईंटों की भराई की जाती है इस जगह पे, फिर जो है ना ये जो है गुल्ले होते हैं खड्डे, इनसे जो है ना आग निकलती है और ईंटों में जो है ना चली जाती है, ईंटें फिर पकाती है वो आग। तो वो गए हैं सीढ़ी लेने के लिए, जो ही वो सीढ़ी लेके आएंगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये ऊपर वाला जो है काम। देखें अभी मैं भट्टे के ऊपर आ चुका हूँ, ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, और ये देखें ये जो है ना जगह, यहाँ पे जो है ना भराई वगैरह की जाती है और ईंटें जो है यहाँ पे भरी जाती हैं इस जगह के ऊपर। ये जो आपको नज़र आ रही हैं गुलाइयाँ, इन गुलाइयों के अंदर जो है ना कच्ची ईंटें भरी जाती हैं, कच्ची ईंटें भरने के बाद जो है ना इन घड़ों में से आग लगाई जाती है, आग जो है वो फिर ईंटों में चली जाती है, तो पकाई होती है ईंटों की। मेरे अब्बू जो हैं वो पकाई का काम करते हैं, तो मेरे अब्बू के नीचे 3-4 बंदे और होते हैं जो जलाई वाले होते हैं, मेरे अब्बू उनको गाइड करते हैं कि अगर काम इस तरह करना है इस तरह करना है। तो जो बंदे हैं 4 वो फिर जलाई का काम करते हैं आगे। जो ये मार्केट है सारी भट्टों की मार्केट है, एक भट्टा ये है, एक भट्टा वो है, एक जिस पे मैं खड़ा हूँ एक वो है, एक वो उधर है, 2 भट्टे जो है ना उससे आगे भी हैं। सारी जो मार्केट है ये भट्टों वाली मार्केट है। तो ये जगह चिमनी बहुत ही बड़ी चिमनी है इस भट्टे की, और इस झंडे के ऊपर मैंने लिखाई करनी है, और ये जो लिखाई है यहाँ पे लिखा हुआ था पाकिस्तान ब्रेक्स कंपनी, तो ये मैंने रेज़ कर दिया, उन्होंने कहा रेज़ करनी है और ऊपर लिखनी है ओवैसिया ब्रेक्स कंपनी, तो अभी मैंने लिखनी है वहाँ पे। बड़ी सीढ़ी जो है वो मिल नहीं रही, तो हमने जुगाड़ करना है। ये छोटी सीढ़ी है, ये देखें इस सीढ़ी को उठा के हमने इस बड़ी सीढ़ी के आगे बांध देना है रस्से के साथ, फिर जो है ना ऊपर मैंने चढ़ना है। तो अल्लाह पाक करम करे कि सही सलामत जाऊं और सही सलामत वापस आऊं। वालदैन जो होते हैं अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि अबू आप अगर हमारे लिए कोई अच्छा काम कर लेते तो आज हम ईजी ना होते, सुखी ना होते। तो उनको पता नहीं होता कि हमारे अबू ने या हमारे वालदैन ने कितने जुगाड़ किए, कितनी मेहनतें की, कितनी मुशक्कतें भुगतीं और हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया। और यही बच्चे होते हैं ताने दे रहे होते हैं अपने बुज़ुर्ग वालदैन को, हमने अक्सर देखा है ऐसे सीन। तो अभी मैंने मेरे दिल में वो बात आई तो मैंने आप सबको बताई। तो जी प्यारे बहन भाई, अभी जो है ना ये काम कर रही है और छिड़काव कर रही है थोड़ा सा बाहर की तरफ। काम वाली बन गई हो? पहले नहीं थी। और क्या है करवाना, क्या काम करवाना है मुझसे? लकड़ियाँ हैं तो सही, अगर ख़त्म होगी फिर आप ना इनको काट देना थोड़ी सी। चलो तो जी प्यारे बहन भाई, आज ना और हम सबको ना एक स्टाइल दिखाएगा, बहुत ही अच्छा स्टाइल है, बहुत ज़बरदस्त स्टाइल है, ऐसा ना हम? हाँ जी, और हम ना स्टाइल दिखाएगा, देखिए आप स्टाइल हम का आज। चलो और हम ये देखें, वाह वाह वाह, रुला दिया जालिम ने आज।
क्या स्टाइल है, वाह ये क्या, ये क्या बंदरों वाला स्टाइल है ये तो। ये तो बंदरों वाला स्टाइल है, कोई स्टाइल तो नहीं दिखाया इसने ऐसे ना। हाँ ऐसे तो बंदर चलते हैं। हाँ राम आज क्या पका रही हैं मैडम साहबा? आलू और गोभी। मैं खुद तो लेके आया था। हैं जी हैं जी हैं जी। अभी मैंने इसमें रेड मिर्चें डालना शुरू कर दी हैं क्योंकि ब्लैक खा खा के ना तो मेरी तो बस घुटन सी होने लग गई थी। मैंने कहा इसको छोड़ो वो ना इसकी वजह से हो। झूठ मत बोलो, रेड मिर्चें खा ब्लैक मिर्चें खाने से कोई घुटन महसूस होती है? ज्यादा खाने से ऐसे ही होता है। रेगुलर तो हम खा रहे थे सालन में, ना डालने के बराबर डालते थे हम, इससे कुछ नहीं होता। तो मुर्गियों के बच्चे जो है ना भाई छोटा दे के क्या है, अब दोबारा ये पीठें करते रहते हैं। मुझे इनकी ना पीठें बहुत बुरी लगती हैं बस, बाकी अगर घर में रहे हैं तो फिर ठीक है। ये नहीं कर रहा वो, देखो उसके काम देखो फिर। ये पीठें कर रहा है, पीठें कर रहा है ये भी मारो फिर बदतमीज बनता है। ये सारे छिलके जो है ना और हमने यहाँ पे बिखेरे हैं तो मुर्गियों की पीठों के से ज़्यादा तो अरहम की छिलके हैं। तो जी प्यारे बहन भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह डबल खुशियाँ हैं, अल्लाह पाक ने हमें डबल खुशियाँ दी हैं। तो न्यू बेबी आने बेबी के आने की खुशी के बाद जो है ना हमें मुझे जो है ना काम मिला है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, मतलब कि एक तो स्कूल का काम मिला था, उसके बाद जो है ना जो ही अल्लाह पाक ने हमें ये गुड न्यूज़ दी उसके बाद एक और अल्लाह पाक ने गुड न्यूज़ दे दी। तो हमने सोचा कि आप बहन भाइयों को बता दें वो गुड न्यूज़ भी। तो मुझे जो है ना थोड़ा सा काम मिला है, एक और ऑर्डर मिला है, तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है ऐसे ना। हाँ जी। तो अल्लाह पाक अगर एक रास्ता बंद करता है तो दो तीन रास्ते और भी खोल देता है। तो हम बहुत परेशान थे, यकीन करें इतने परेशान थे कि अल्लाह पाक शायद ही किसी को इतना परेशान किया होगा। नहीं मतलब कि अल्लाह पाक ने शायद ही मजबूरियां होती हैं ना, मजबूरियां तो होती हैं ना। तो अल्लाह पाक मतलब इम्तिहान होता है अल्लाह पाक का इंसान के ऊपर, तो शायद अल्लाह पाक ने किसी से इतना इम्तिहान लिया होगा जितना हमसे लिया है। तो हम बहुत मजबूर थे और इतना मजबूर थे कि हम रो सकते थे तो रो भी नहीं सकते थे अगर रोना चाहते तो। तो अल्लाह पाक से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक हमें जो है ना वो सुखी जो है रोटी नसीब फरमा। तो अल्लाह पाक ने जो है ना ऐसी सुनी कि ना एक और जो है ना कंट्रैक्ट मुझे मिल गया है, तो वो भी जो है ना वो भट्ठे का है। तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि अबू ने कहा है कि उनसे पैसे ना लेना, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि मैं हम जो है ना आपको पैसे देंगे और आपको इंशाल्लाह खुश करके भेजेंगे। तो काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम है भट्ठे का, तो मैंने उनको कहा है कि जो है ना मैं आपको कल करके दूंगा, आज मैं उनका हाफ़ काम करके आया हूँ, हाफ़ काम जो उनका बच गया है तो वो इंशाल्लाह कल करके देंगे उनको, उनसे पैसे भी लेंगे। और यकीन करें मुझे तो बहुत बेहद खुशी हो रही है कि अल्लाह पाक इतनी हमें खुशी नसीब की है, तो डबल खुशियाँ हैं हमारे लिए। तो इसके अलावा हमारी एक और परेशानी तब खत्म होगी जब हमारी सेहत सुखी होगी। हाँ जी अल्लाह पाक से हम ये दुआ करते हैं। परेशानी होती है इसको भी मसला रह जाता है कुछ ना कुछ मुझे भी, और हम रेगुलर दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि हमें ये जो है हाँ जी जो भी है ना हमें पता नहीं चल रहा कि मैदे का मसला है, इसके गले का मसला है, समझ नहीं आ रही कि क्या है, डॉक्टर को भी नहीं पता चल रहा है कि है क्या, लेकिन जो भी है अल्लाह पाक हमें ठीक कर दे बस। हाँ जी आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए दुआ करें, हम भी अपने तमाम बहन भाइयों के लिए जो हमें देखते हैं और जो नहीं भी देखते हैं, तमाम उम्मत मुसलमा और इंसानियत के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, जो बेशक हमारे जो हिंदू बहन भाई हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, इंसान तो है ना इंसानियत के नाते, हम सब के लिए दुआ करते हैं। हाँ जी अल्लाह पाक सबको सेहत दे। हाँ जी। और जो अच्छा रिज़्क़ अता फरमाए उनको। हाँ जी। जो बीमार है उनको उनकी बीमारी दूर करे अल्लाह पाक। हाँ जी। प्यारे बहन भाई इसने मेरी जो जैकेट है ना, जैकेट इसने मेरी जला दी है, और जैकेट जला के ना इसने पकाना है इस जैकेट के साथ रोटी। ये आपने जरूर दिखाना था। तो क्या दिखाऊं फिर, वो आग नहीं मेरी थी। मेरी सर्दियां कैसे गुजरेंगी अब? सर्दियों को मैं पहनता था ये जैकेट, इसने जला दिया जी। अच्छा कोई बात नहीं और ले लेना, वैसे भी खराब थी ये मैं लंडे से लेके आया था 50 रुपए की। लंडे की जैकेट है ये तो, फिर इसलिए तो मैंने जला दी है। क्यों, लंडे की खराब होती है क्या? लोग कहते हैं कि लंडे की जैकेट जो है ना पहना करो,
तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि लंडे की जैकेट क्या होता है। लंडे के जैकेट में यकीन करिए, लंडे में ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं ना कि न्यू, बिल्कुल नायाब, अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी होती हैं जो अमीर अमीर लोग भी पहनते हैं अक्सर। पिछली बार मैं लंडे पे गया हूँ तो एक बंदा आया था वहाँ पे, ट्रैफिक पुलिस में था, वो अपने बच्चों के लिए वहाँ पे शूज़ देख रहा था लंडे के। अब बताएं। हाँ तो मैं कौन सा कह रही हूँ? तुमने क्यों कहा है मुझे? तुमने ही कहा है मुझे। लंडे से लेके दूंगी। अच्छी लेके देना फिर। हाँ। जी पहले बहन भाई, अभी जो है ना पक रही है रोटी, तो जिस बहन भाई ने रोटी खानी है वो आ जाए, हमेशा हम यही कहते हैं लेकिन आता कोई नहीं है। तो इसकी इसी के साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप सब बहन भाई, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।